गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने इंग्लिश में चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए थे। आज की क्लास में हम इसका ग्रामर पोर्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। अब हमें सही वाले ऑप्शन पर टिक करना है, सही विकल्प पर राइट लगाइए, ठीक है। फर्स्ट नंबर का देखिए आप, द मून लुक्स लाइक, जो मून है वो किसकी तरह दिखाई देता है, अ लैम्प, बल्ब या फिर फायरवुड। ऑप्शन दे रखा है लैम्प, बल्ब या फायरवुड, तो किसकी तरह दिखाई देता है, लैम्प की तरह दिखाई देता है, ठीक है, दिए की तरह। तो क्या आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। सेकंड देखिए, लास्ट वीक द मून वॉज लाइक, लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह जो मून था वो कैसा दिख रहा था। ए वाला है ऑप्शन है बॉल, बी वाला ऑप्शन है बाव और सी वाला ऑप्शन है स्क्वायर। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट है, बाव मतलब क्या होता है, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष जैसा वो दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो बाव यानी धनुष हो जाएगा, तो ये बी वाला ऑप्शन है आपका, ये सही ऑप्शन है। थर्द वाला देखिए, द पोइट एड्रेसेस द मून एज, पोइट ने क्या एड्रेसेस दिया, ए वाला ऑप्शन है डल, बी वाला ऑप्शन है अगली और सी वाला है प्रीटी, मतलब मून कैसा था, तो क्या था, सुंदर था। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है, प्रीटी मतलब वो सुंदर था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ए तो कंप्लीट हुआ, टिक द करेक्ट ऑप्शन। बी वाला देखिए, कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम, अब ये पोएम की लाइन्स है, इसे हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए, ठीक है। देखिए अब यू क्या लिखा है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से लाइन है, तो हमने ये फिल किया है शाइन ऑन माई प्ले और ये थिंग्स लिखा है, ठीक है। तो इस पर क्या आएगा, ब्लैंक प्लेस पे शाइन ऑन माई प्ले। सेकेंड लाइन देखिए, एंड फिल इन द ब्लैंक से फिर प्लेस है, तो जो ये ब्लैंक प्लेस है यहाँ क्या आएगा, शो मी देयर आएगा, ठीक है, शो मी देयर। फिर देखिए एंड, फिर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, अब तो ये खाली प्लेस पे क्या आएगा, आई कम टू लुक आएगा, आई कम टू लुक। फिर फोर्थ लाइन देखिए, एट फिल इन द ब्लैंक्स है फिर फैशन, तो जो ब्लैंक प्लेस है उस पर क्या आएगा, यूअर प्रिटी और फिर ऑब्लिक लगा है ब्राइट, ठीक है, तो यूअर प्रिटी ऑब्लिक और ये ब्राइट, सॉरी ऑब्लिक नहीं कॉमा है ये, तो ये जो आपकी जो ब्लैंक प्लेस है ये क्या जाएगा, यूअर प्रिटी कॉमा ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। बी वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए नेक्स्ट, सी वाला तो हमने प्रीवियस क्लास में किया था, नेक्स्ट देखिए डी वाला ग्रामर क्वेश्चन है। राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, अब हमें इसके क्या लिखना है, राइमिंग वर्ड्स लिखना है, दिए गए शब्दों के तुकान शब्द लिखना है, ठीक है, मतलब उसके जैसे ही साउंड आते हो उसको हम क्या बोलते हैं, तुकान शब्द बोलते हैं। अब देखिए फर्स्ट नंबर का देयर, देयर का क्या हो जाएगा, वेयर मतलब एक जैसे वर्ड, देयर का मीनिंग क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, ठीक है, देयर का एक जैसा वर्ड क्या हो जाएगा, वेयर, यहाँ पे आपको दिख रहा है ई आर ई सेम दिख रहा है, ई आर ई, ठीक है, तो देयर का वेयर हुआ। सेकेंड देखिए लाइक का क्या हो जाएगा, बाइक, सेम वर्ड है ये, लाइक और बाइक। थर्ड देखिए स्मॉलर का फॉलर, ये भी सेम वर्ड है, तो ये स्मॉलर का फॉलर आ जाएगा। फिर ब्राइट का राइट, ये भी सेम मीनिंग है, तो ब्राइट और राइट क्या हो जाएगा, एक जैसा ही है, आई एस टी, तो ये ब्राइट और राइट, ठीक है, एक जैसे मिल रहे, तो ये क्या हो गया, हमारे राइमिंग वर्ड्स हो गए। देखिए फिर ई नंबर का क्वेश्चन, राइट द अपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, अब हमें क्या करना है, जो अपोजिट्स वर्ड्स इनके लिखना है, जो हमें नीचे शब्द दे रखे हैं उनके अपोजिट वर्ड लिखना है, देगा शब्दों के विलोम शब्द लिखना है, अपोजिट मतलब विलोम शब्द लिखना है, उल्टे शब्द। देखिए देयर, देयर है ना, यहाँ हो जाएगा देयर का, यहाँ हो जाएगा हियर का, वहाँ हो जाएगा, ठीक है, तो देयर का क्या जाएगा, हियर आएगा। सेकेंड है अप मतलब नीचे हो जाएगा, सॉरी अप मतलब ऊपर और डाउन यानी कि नीचे होएगा, तो अप का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लाइक, लाइक यानी पसंद करना, डिसलाइक यानी पसंद नहीं करना, तो लाइक का क्या हो जाएगा, अपोजिट डिसलाइक। फिर देखिए आप स्मॉलर का क्या हो जाएगा, लॉन्ग, स्मॉलर यानी छोटा होता है, लॉन्ग यानी लंबा होता है, तो स्मॉलर का अपोजिट क्या हुआ, लॉन्ग। अब प्रीटी का देखिए, प्रीटी यानी सुंदर होता है, अगली यानी बदसूरत होता है, तो प्रीटी का अपोजिट क्या हो जाएगा, अगली हो जाएगा। फिर देखिए सिक्स नंबर का, ब्राइट यानी क्या होता है, चमकीला, डार्क यानी अंधेरा होता है, ठीक है, तो ब्राइट का क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। आज देखिए ये ई नंबर वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ आज की क्लास में, मतलब आज हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है इंग्लिश में उसके जो ग्रामर पोर्शन है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है। आज हमारा चैप्टर 5 नंबर का कंप्लीट हो गया है, द मून वाला, ठीक है। तो आपको कल स्कूल आना है और उसकी फेयर कॉपी चेक करवानी है, सबको कॉपीज बनानी है और कंप्लीट करनी है। अब जो इसके आगे का चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 6 रहेगा स्वामी विवेकानंद वाला, वो हम नेक्स्ट क्लास में अब पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक मैंने 5 चैप्टर तक कंप्लीट करा दिया है, तो आपको स्कूल आना है और 5 चैप्टर तक कॉपी कंप्लीट करना है, ठीक है, और चेक कराने स्कूल आना है।